उदयपुर अमरसिंह हाजी इकबाल के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाने का आरोप लगाते हुए आज सर्व समाज संघर्ष समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फिर जलूस के रूप में तहसील मुख्यालय पहुंच ज्ञापन देना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए जलूस नहीं निकलने दिया। इसके बाद कुछ लोग तहसील पहुंचे और SDM के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। दरअसल बसपा के वर्तमान MLC महमूद अली, पूर्व MLC और लोकल यूनिवर्सिटी के चांसलर हाजी इकबाल, उनके बेटे जावेद इकबाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राव लाइक सहित कई लोगों पर जमीन कब्जाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में इन लोगों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई और पूर्व MLC हाजी इकबाल के बेटे जावेद इकबाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसके बाद से उनके समर्थकों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष बना हुआ है। आज किस तरह का कार्यक्रम था? मैं ब्लॉक पूर्व ब्लॉक प्रमुख चौड़ली का थी। ये कार्यक्रम क्या है बताए, एक ज्ञापन देना था SDM साहब को, जो हाजी जी के खिलाफ मुकदमे और जो फर्जी काम हो रहे हैं, फर्जी मुकदमे हो रहे हैं और उनके जो है जुल्म ज्यादती हो रही है, उसके लिए हमें SDM साहब को ज्ञापन देना था। और ये जो कार्यक्रम जो है, जनता उनसे प्यार रखती है, उस प्यार में ये जनता इन्हें मालूम होता रहा, एक दूसरे से मोबाइल का ज़माना है तो वो प्यार में सब इकट्ठे हो गए। अब हमने सभी को यहीं से भाई इकट्ठे हो गए, हम कानून के मानने वाले लोग हैं, कानून से चलने वाले लोग हैं, हमने सबको यहीं से सबका शुक्रिया अदा किया। जब ज़्यादा लोग आ गए और हमने इन लोगों को ये शुक्रिया अदा करके शांतिपूर्वक सबको अपने अपने घर भेजा और ज्ञापन देने के लिए 8-10 लोग, इंस्पेक्टर साहब ने कहा हम 8-10 लोग जाएंगे और SDM साहब को वहीं तहसील में जाकर, तहसील जो चल रहा है वहीं पर जो है ज्ञापन उन्हें हम देंगे। MLC और उसके परिवार पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई का आरोप लगाते हुए सर्व समाज संघर्ष समिति द्वारा पुलिस प्रशासन के विरोध में शाकुंभरी रोड स्थित एक प्लेस में हजारों कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। यहां से भीड़ तहसील मुख्यालय में CM को ज्ञापन देना चाहती थी, लेकिन मौके पर कई थानों की पुलिस और PSC बस आ पहुंचा और धारा 144 का हवाला देते हुए जुलूस निकलने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। इसके बाद कार्यक्रम जनसभा में बदल गया। बाद में कुछ कार्यकर्ता तहसील पहुंचे और SDM की मार्फत ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को सौंपा। क्या नाम है? रामू चौधरी। किस तरह का कार्यक्रम था आज? माननीय हाजी इकबाल जी जो पूर्व MLC हैं, उनके खिलाफ जो सरकार का उत्पीड़न हो रहा है, जो गैंगस्टर वगैरह लूटे मुकदमे उन पर लगाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ आज हमारे आंदोलन की एक हल्की सी चिंगारी थी। अगर शासन प्रशासन होश में नहीं आए तो इस लड़ाई को हम तहसील से लेकर दिल्ली तक लड़ने के लिए सक्षम हैं। और अगर शासन प्रशासन के रुतबे में अभी भी सुधार नहीं आया इतनी भीड़ देखकर, तो हम सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे और राजीव जी का उत्पीड़न होने नहीं देंगे। सोनिया अग्रवाल। किस तरह का कार्यक्रम था आज? कार्यक्रम आज शांतिपूर्वक तहसील में ज्ञापन देने का था। हाजी मोहम्मद इकबाल जी पर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं उनके खिलाफ देने का था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने यहाँ इतनी पुलिस अलर्ट कर दी, मुकदमे का डराव दे के या वो कर दिया, हम डरने वाले नहीं हैं। अगर हमारे खिलाफ या कोई मुकदमादार या कुछ भी होगा तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे। हम यहाँ नहीं, सहारनपुर भी चलेंगे, सहारनपुर से काम नहीं चलेगा, हम लखनऊ भी चलेंगे, हम दिल्ली भी चलेंगे।